हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे माउस पॉइंटर को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस पॉइंटर चेंज करने का फायदा क्या है? फायदा यही है, जब हम लोग का कंप्यूटर में कुछ चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है, के बाद कुछ चीज को मतलब कुछ चीज को हम लोग उसको पॉइंट करके दिखाना चाहते हैं, मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं। चलो ए वाला देख, एक वेबसाइट है डिजिटल ओशियन, तो हम बोले भाई क्लिक ऑन लॉगिंग बटन, ठीक है, यहाँ पर लॉगिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर जो माउस दिख रहा है ना, एक मतलब नॉर्मल से एक माउस दिख रहा है, तो यहाँ पर हम जब जाएंगे तब एक पॉइंटर से दिखाएंगे तो मतलब ऑडियंस थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यहाँ पर ही दिख रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे करके दिखे, ऐसे करके जब पॉइंटर हम माउस पॉइंटर को हम ले जाएंगे ना, जिस जगह हम जाते जाना चाहते हैं उसको दिखाएंगे, तो ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, दिख जाएगा आप लोग को। तो ये जो एक वेबसाइट है rw-designer.com, तो ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको ना डाउनलोड करेंगे, तो छोटा सा ही फाइल है 6.2 KB का, तो डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो डाउनलोड भी हो गया, देखो highlight.zip। तो इसको हम लोग इस एरो आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इन फोल्डर करते हैं और इसको अभी अनजिप करेंगे, तो राइट क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट टू हाईलाइटर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया, तो क्लिक करेगा, देखो यहाँ पर दिख पा रहे हो आप, तो आएगा यहाँ पर। अभी ये जो दिख रहा है मतलब इस पॉइंटर को हम लोग तो ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे सेटअप करेंगे, तो हम लोग को जाना है यहाँ पर जो विंडोज का स्टार्ट बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो डिवाइस, ठीक है, डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट में आप लोग को मिल जाएगा माउस, ऊपर क्लिक करना है, राइट में मिलेगा एडिशनल माउस ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऐसे करके एक विंडो ओपन होगा, उसके बाद बटन, बटन के बाद पॉइंटर, पॉइंटर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो विंडोज का जो डिफॉल्ट माउस पॉइंटर है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अभी ए वाला सेट है यहाँ पर सेट, तो जिस पॉइंटर को आप लोग चेंज करना चाहते हो उसको ही सिलेक्ट करना, चलो इसको सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट किया, ठीक, सिलेक्ट किया, उसके बाद ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करना, ब्राउज करो, बाद यहाँ पे हम लोग उसको डाउनलोड किए थे, कहाँ पे किए थे, डाउनलोड, उसके बाद हाईलाइटर, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को मिलेगा डाउनलोड, उसके बाद देखो एक हाईलाइटेड है, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और यहाँ तो क्लिक तो रेड वाले रेड वाला ही लेते हैं, ठीक है, रेड वाला के ऊपर क्लिक करेंगे, बाद ओपन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बाद देखो सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट करने के लिए अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना, ओके बटन को, माउस पॉइंटर चेंज हो गया ना, ओके। तो आप लोग फिर से ने उस ऑप्शन मतलब पहले जैसा था उसको भी ले सकते हो, तो फिर से हम लोग को जाना था, एक ही जगह पे ही जाना है, स्टार्ट मेनू पे बटन के ऊपर क्लिक करना था, उसके बाद सेटिंग्स, के बाद डिवाइसेस, बाद माउस, के बाद एडिशनल माउस ऑप्शन, के बाद पॉइंटर, और यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट है, तो हम लोग इसको ना नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, देखो जैसे था पहले विंडोज का, ठीक है, तो वो वाला ही सेट करेंगे अभी, रेड वाला ले लेते हैं, ओके, चलिए टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।